हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर डूइंग द रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जिसमें कि है फर्स्ट रिएक्शन इज अल्कोहल विद एल्कोहल विद्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकंड इज द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस एच आई एंड देन हीटिंग एंड द थर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया तो ये जो तीनों रिएक्शन है लास्ट की आपकी बची हुई ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रिएक्शंस है तो इसे जल्दी से हम इसे इसे भी कवर कर लेंगे तो यहाँ पर देखो एल्कोहल की रिएक्शन विद अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर आपको करनी है तो हम आप यहां पर लेते हैं सी एच थ्री ओ एच दिस इज द मिथेनोल अब क्या होगा यहां पर ग्रिगनाट रिएजेंट लेते हैं एंड ग्रिगनाट रिएजेंट आपको पता है क्या होता है आर एम डी एक्स इज द ग्रिगनाट रिएजेंट एंड इसमें चार्जेस कैसे होते हैं मैग्नीशियम क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है तो ये डेल्टा पॉजिटिव इस पर आता है और आर पर हाइड्रोकार्बन पर यहां पर एक्सेप्शनली डेल्टा नेगेटिव आता है ओके okay? तो क्या होगा हम सपोज आर की जगह यहां पर जो ग्रिगनार्ट रिएजेंट है वो मिथाइल वाला लेते हैं एम जी एक्स ये वाला ग्रिगनाट रेजेंट हमने ले लिया अब क्या होता है यहां पर डेल्टा नेगेटिव है यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है और यहां पर क्या होगा आपका कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में भी पुलारिटी होगी यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा अब देखो यहाँ पुलारिटी तो यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव हो सकती थी बट ये क्या करेगा जो यहाँ पर यह सी एच थ्री है ये जो सी एच थ्री है ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले जाएगा अपनी तरफ ले लेगा ले और यहाँ पर सी एच फोर बना देगा ये यहाँ पर भी तो बिकॉज uh, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव है ऑक्सीजन एंड कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना था और यहाँ से भी तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता था बट ज़्यादा जो फिजिबल है वो है कि ये एज़ अ बेस एक्ट एज अ बेस हम लिख सकते हैं एक्ट एज बेस कि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और बेस का, का काम क्या होता है कि आपका आपका क्या होता है बेस का काम कि उसको एच पॉजिटिव को ले लेना रियक्शन है एच पॉजिटिव को ले लेना मतलब डेफिशिएंसी uh, है जहां पर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने क्योंकि बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जो कि एक जो पार्ट है उसको क्या कर रही है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है तो ये यहां पर एज अ न्यूक्लोफाइल एक्ट नहीं करेगा ये यहाँ पर एज अ बेस एक्ट करेगा आपका सो so ये बेस एक्ट करेगा तो सी एच थ्री एंड एच नेगेटिव ने पॉजिटिव को ले लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बना सी एच फोर बना इस तरह से ग्रिगनाट की रिएक्शंस होती है एंड जो बाकी प्रोडक्ट बना वो मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है एक तो एक्स के साथ बना है दूसरा आपका ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये पूरे जो ये नेगेटिव पार्ट है उसको ले लेगा तो यानी कि आप मैग्नीशियम का एक बॉन्ड आपका ओ सी एच थ्री के साथ बनेगा दूसरा बॉन्ड आपका एक्स के साथ बनेगा हलोजन के साथ दैट इज वाई आपका यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा गया है सो so दैट इसका मतलब होता है एक बॉन्ड इसके साथ है एक बॉन्ड इसके साथ है तो ये एक रिएक्शन है अगेन अगर आपको सी एच थ्री सी एच टू इथेनोल के साथ रिएक्शन करनी हो एंड अगेन आपने जो ग्रिगनार्ट रिएजेंट लिया है सी एच थ्री एम एक्स से क्योंकि ग्रिगनाट के साथ जो रिएक्शंस होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पर अगेन डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है अगेन यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो पॉजिटिव को नेगेटिव से कंबाइन कर लो नाव सी एच थ्री नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया नाव वी विल गेट सी एच फोर एंड साथ ही साथ क्या है एम जी एक्स है तो एम जी जो है वो साथ में सी एच थ्री सी एच टू ओ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा नाव दिस इज द ऑक्सीजन सी एच टू सी एच थ्री एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया और दूसरा बॉन्ड तो ऑलरेडी एक्स के साथ बना है मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ गया पॉजिटिव के पास गया। जस्ट ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको जोड़ने होते हैं इसका मतलब जब ग्रिगनाट रिएजेंट आपकी रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ अल्कोहल के साथ तो आपको क्या मिलता है एल्केन मिलते हैं जैसे यहाँ पर मिला आपको क्या मिला एल्केन मिला ओके okay, तो सेकेंड रिएक्शन है आपके रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विद द रेड फॉस्फोरस एच आई एंड उसके बाद इसकी हीटिंग करनी है तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं कि एक सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच एक अल्कोहल हम ले लेते हैं और उसके रिएक्शन आपने रेड फॉस्फोरस एंड एच आई के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रेड फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस एंड देन उसकी क्या करनी है आपने हीटिंग करनी है तो देखो ये रिएक्शन रिडक्शन क्यों है रिडक्शन क्या होता है जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो कहीं या फिर कह सकते हैं रिडक्शन को कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आपका क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है तो जब ऐसा सिनारी होता है तो देखो क्या चीज़ होती है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और किसके फॉर्म में निकलता है वाटर की फॉर्म में निकलता है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा वाटर क्या होता है वाटर होता है एच टू ओ जब इसको ऑक्सीजन को निकलना है वो भी वाटर की फॉर्म में निकलना है तो ऑक्सीजन यहाँ से आएगा एंड दो हाइड्रोजन की इसको रिक्वायरमेंट है तो दो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है एंड हाइड्रोजन यहाँ है तो हमें यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस ऑक्सीजन नीड्स टू हाइड्रोजन सो दैट ये वाटर आपका रिलीज कर दे तो यहाँ से ऑक्सीजन गया यहाँ से दो आपके हाइड्रोजन हो गए तो आपका ये यह यहाँ पर वाटर निकल गया तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या रिएक्शन हुई यहाँ पर कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये रिडक्शन आपकी हो गई इसका मतलब इन तीनों के प्रजेंस में आपकी हमेशा क्या होगी रिडक्शन होगी ऑक्सीजन निकल गया तो आपका हाइड्रोजन एंड ये एक चेन बना गया दिस इज़ दी एच फोर दिस इज अगेन योर एल्केन ना अब ये दो आई है तो ये क्या बना देगा आई टू आयोडीन आपको दे देगा आई टू के फॉर्म में आपका ये निकल जाएगा तो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है देख सकते हो एक बार गो थ्रू हो जाओ एंड थर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया है अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कोई जनरल चलो जनरल ले एल्कोहल ले लेते हैं इसके रिएक्शन अमोनिया के साथ करनी है अमोनिया क्या होता है एन तो सपोज़ इसके एन थ्री के साथ रिएक्शन करनी है बट फॉर बेटरमेंट हम इसे एक हाइड्रोजन निकला हुआ इस तरह से लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन को अलग से निकालेंगे तो इसके रिएक्शन और मेन चीज़ क्या है ये जो रिएक्शन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया होती है ए एल टू ओ थ्री और थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है अब ये क्या होगा इन द प्रजेंस ऑफ हम लिखेंगे इन द प्रजेंस ऑफ द प्रजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिना एल्यूमिना एल्युमिना क्या होता है देखो एल्युमिना होता है कि अगर आ, आपका एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका एल्युमिना ओके okay? तो आपने ये एल्युमिना करा तो ये ए हो गया क्योंकि एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होता है वो प्लस थ्री होती है ऑक्सीजन की माइनस टू होती है तो क्या हुआ कि यहाँ पे अगर एल टू थ्री के साथ रिएक्शन आपने करवाई किसकी अमोनिया की अमोनिया की रिएक्शन आप यहाँ पर करवा रहे हो तो वॉट हैपन्स कि यहाँ से ओ OH एच निकलेगा एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एंड आपका वाटर निकल जाएगा ज़्यादातर रिएक्शन जो आप देखते हो वो वो यही होती है किसी में वाटर निकल रहा है किस में पोलैरिटीज जनरेट कर दो और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले आओ पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले आओ बस इसी तरह से आपकी रिएक्शन चलती रहती है तो देखो क्या हुआ वाटर का तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि लॉस हो गया बट साथ ही साथ आर के साथ क्या लगा यहाँ पे एन एच यहाँ पे क्या है एन आर के साथ क्या जुड़ा आपका एन और उसके साथ क्या लगे हैं दो आपके हाइड्रोजन लगे हैं ना दिस इज वर्ड दिस इज योर वन डिग्री अमीन दिस इज योर वन डिग्री अमीन क्योंकि वन डिग्री अमीन क्यों है क्योंकि नाइट्रोजन क्युं क्या है आपके सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है ओके okay? नाउ अगेन ये रिएक्शन क्या हो सकती है अगेन ये रिएक्शन आगे जा सकती है जब इस अमीन में जैसे अमोनिया के साथ आपने अल्कोहल दिया था तो अगर इसमें फिर से आप आर ओ एच डाल दो और साथ में ए टू ओ थ्री जो ये एलुमिना है ए टू ओ थ्री वो भी डाल दो तो रिएक्शन फर्दर कहाँ पर जाएगी फिर से वही चीज़ ओ एच यहाँ से निकलेगा एंड एक हाइड्रोजन आपका देखो ओ एच वाटर ही तो निकालना है अल्कोहल से ओ OH एच देगा और यहाँ से आपका एक एच निकलेगा मतलब आपको क्या होगा वाटर का लॉस हो जाएगा एंड ये आर एन और ये आपका यहाँ पे आर लग गया यहाँ पे आपका एच लग गया नाउ दिस इज वॉट दिस इज योर टू डिग्री अमीन दिस इज योर सेकेंड्री अमीन यू हैव योर सेकेंड्री अमीन नाउ द रिएक्शन विल ऑल्सो प्रोसीड फर्दर अगर उसकी रिएक्शन आप आर ओ एच के साथ करवाते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज एयर टू ओ थ्री नो वॉट हैपन्स अगेन द इलिमिनेशन रिमूवल ऑफ वाटर हैपन्स तो यहाँ से ओ एच चला जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एच चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म वाटर तो आपके पास क्या बना आर एन एंड आर आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था नाइट्रोजन के साथ अगेन नेक्स्ट आपका क्या लगने वाला है आर ग्रुप लगने वाला है ना वट इज दिस दिस इज द थ्री डिग्री आई मीन दिस इज वट दिस इज़ द थ्री डिग्री अमीन तो ये है बात है कि ये रिएक्शन आगे तक आपको थ्री डिग्री अमीन तक जा सकती है अगर आप दोबारा से इसमें अल्कोहल अल्कोहल देते चले जाए तो बस आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया है तो जस्ट आपको क्या करना है वाटर का रिमूवल करना है और इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनिया जो जो क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ए एल टू ओ थ्री एयर टू ओ थ्री की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी बस ये छोटी सी तीन रिएक्शन थी यहाँ पर आपकी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो चुका है नेक्स्ट से हम क्या करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं थैंक यू सो मच